हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का पार्ट फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको परसेंटेज होता क्या है और इसके बेसिक रूल्स क्या क्या है हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ परसेंटेज की, तो परसेंटेज में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 10%, तो यहाँ पर सीधा सा फंडा ये होता है कि 10 के बटे में परसेंटेज हटता है तो डिवाइड में क्या हो जाता है 100। तो यहाँ पर 10% मतलब कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 1/10। अब यहाँ पर अगर मैं वापिस से अगर इसको 1/10 को परसेंटेज में चेंज करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। तो अगर वापिस से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वापिस से 10% बन जाएगा जो स्टार्टिंग में था। मतलब कहने का मतलब ये, जब भी आपको किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना हो, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6, अगर आपको इसको परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 600%। अब यहाँ पर अगर वापिस से इसको नंबर में चेंज करना है तो यहाँ पर क्या होगा 600 और परसेंटेज, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 100, तो वापिस से ये क्या हो गया 6 बन गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100, और अगर परसेंटेज को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि डिवाइड में 100 करना पड़ेगा। और अगर जैसे मैं आपको जैसे बोल देता हूं यहां पर, जैसे कि 200 में अगर 30% जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आपको क्या करना है यहां पर, जैसे 200 में अगर 30% जोड़ेंगे तो कितना होगा, यह भी हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा 200 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहां पर 130। अरे अगर 30% हमें ज्यादा करना है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको ऐसे कर सकते हो कि 200 गुणे में 30, और 30% कितना आएगा यहाँ से 20 से 20 मतलब 60, और 60 को क्या कर लो 200 में जोड़ लो, मतलब कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। या फिर एक तरीका ये होता है कि आप परसेंटेज में ही वैल्यू को जोड़ लो, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 200 मल्टीप्लाई 130 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 100, तो 120 से, तो यहां से भी कितना आएगा 260। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब वृद्धि का बोले तो आप जब भी परसेंटेज में बात होती हो तो 100 में जोड़ लो। जब भी जैसे मान लो कमी की बात, डिसेंडिंग की बात करें या कमी की बात करें, जैसे मान लो ये बोलता है कि 200 का 30% कम करके कितना होगा, तो आपको क्या करना है कि 70% मतलब 100 में से माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 70, बस यहाँ पर इसको सोल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 20 से 20 7 × 2 = 14 मतलब कितना हो गया 140 रुपये। तो ये तो होते हैं परसेंटेज के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। परसेंटेज टॉपिक जो है ना, आपके लाभ हानि हो गया या रेशियो हो गया, या फिर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे ही टॉपिक में क्या है इंक्लूड होता है। मतलब आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप क्या, बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 9 का कितने% 54 है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी जिस भी संख्या के साथ का जुड़ा हुआ हो उसको आप हमेशा डिवाइड में लिखा करो। ये क्या होता है, शॉर्ट तरीका होता है सवाल सोल्व करने का। मतलब क्या है, 54 का कितने% 9, मतलब 9 के साथ का जुड़ा हुआ है ना, तो आपको 9 डिवाइड में करना और 54 ऊपर, और परसेंटेज में चेंज करना मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सारी चीजें कि जब भी आपको किसी भी चीज को परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। जैसे यहां से इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या होगा 9 से 6 बार मतलब कितना हो जाएगा 600%। तो यहां से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए वाला। एक तो ये तरीका हो गया। और अगर आपको इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से करना है तो इसको कैसे करेंगे, 9 का मतलब का के साथ क्या है मल्टीप्लाई होता है, कितने प्रतिशत 54 है, तो यहां पर मान लो एक्स प्रतिशत क्या है 54 है, और एक्स परसेंटेज के साथ है तो परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 100, और बराबर में कितना है 54 है। पर इसको सोल्व कर लो यहाँ पे तो क्या होगा, एक्स बराबर 54 ये इधर आएगा डिवाइड में, तो इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 9 से 6 टाइम, तो एक्स बराबर कितनी आ जाएगी वैल्यू 600%। तो यहां से भी हमारा आंसर क्या होगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि किसी संख्या का 25% 36 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि किसी संख्या का जो है वो 25% क्या है वो 36 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 25% जो है वो 36 के बराबर है,
तो वह संख्या ज्ञात करिए। जब भी परसेंटेज में आप कोई भी संख्या ज्ञात करो ना, तो टोटल जो है वो 100% होती है। कोई भी संख्या जो है वो 100% होती है परसेंटेज में। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब हमें पता है कि 25% की वैल्यू जो है 36 है, तो यहाँ से हम सबसे पहले 1% की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कितना होगा, 36 के डिवाइड में कितनी हो जाएगी, 25, और निकालना कितना है 100%, तो मल्टीप्लाई क्या कर ले हम 100। बस यहां से आप इसको सोल्व कर लो, तो क्या होगा 25 से एक बार, और ये क्या होगा 25 से 4 बार, तो 36 × 4 मतलब 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना होगा, 6 × 4 = 24, बचेंगे कितने 2, 4 और 3 12 और 2 14, मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 144। तो यहां से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 69% खर्च करता है तथा उसके बाद 93 रुपये बचते हैं, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। यहां पर इसका कुल आय ज्ञात कीजिए, मतलब क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 69% खर्च करता है तथा उसके बाद 93 रुपये शेष बचते हैं, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है, मतलब सबसे पहले तो आपको पता है टोटल इनकम कितनी होगी 100%, मतलब ये क्या है टोटल इनकम है, ये हो गई टोटल इनकम, वो हो गई 100%। अब 100% में से खर्चा कितना करता है, वो 69% जो है वो एक्सपेंसेस कर देता है। तो जब 100 में से अगर 69% एक्सपेंसेस कर देगा तो बच जाएंगे कितने उसके पास, यहां पर 31% क्या हो गई सेविंग, हो गई सेविंग, ये क्या हो गई सेविंग, और रुपए में कितनी है यहां पर 93 रुपए, या तो ऐसा बोल दो कि 93 रुपए की बचत करता है, या बोल दो कि 31% की बचत करता है, दोनों ही केसेस क्या है सेम है। मतलब कहने का मतलब यह है कि 31% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो गई 93 रुपीज के। तो सिंपल 1% की वैल्यू ज्ञात कर लो, कितना हो जाएगा 93 डिवाइड में कितना हो जाएगा 31, और ज्ञात क्या करना है टोटल इनकम, मतलब हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करना है। अगर वो पूछता है कि खर्चे कितने हैं, तो यहाँ पर खर्चे पूछेगा तो मल्टीप्लाई 69 कर लेंगे, लेकिन अभी क्या पूछा है टोटल इनकम, तो सोल्व कर लो 31 से कितनी बार होगा 3 टाइम, और 3 का मल्टीप्लाई 100 में, मतलब कितना हो जाएगा 300 रुपये, तो उसकी जो टोटल इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 300 रुपये। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर, 30% जो है बच्चों की शिक्षा पर, उसके बाद 10% क्या है यातायात पर खर्च करता है तथा माह के अंत में 7,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 20% खाने पर, 30% बच्चों की शिक्षा पर और 10% जो यातायात पर खर्च करता है तथा माह के अंत में 7,000 की बचत करता है, तो कुल आय ज्ञात कर। तो सबसे पहले हमें पता है कि टोटल जो इनकम होती है वो कितनी होती है 100%, परसेंटेज में बात कर रहा हूँ मैं, कितनी होती है 100%। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 20% तो अपनी आय का वो काय पे खर्च करता है, खाने पर, मतलब खाने पर जो खर्च करता है वो कितने करता है 20%। देन बच्चों की शिक्षा पर कितना करता है खर्चा, वो एजुकेशन पे कितना करता है वो 30%। देन उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि यातायात ट्रेवलिंग पर कितना खर्चा करता है, तो 10% का। अब हम यहां पर देखते हैं तो 20%, 30% और 10%, इन सब का योग कर ले तो कितना हो जाएगा यहां से 60%। मतलब कहने का मतलब ये टोटल जो एक्सपेंसेस करता है वो कितने करता है 60%, और उसकी इनकम कितनी है 100%। मतलब अगर 100% में से 60% खर्चे कर देगा तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी यहां से, सिंपल 40% की क्या हो गई सेविंग हो जाएगी, सेविंग कितनी हो गई 40% की, मतलब। और रुपए में कितनी दी हुई है हमें, रुपए में जो दी हुई है वो है 7,000 रुपए की बचत करता है, या तो आप ऐसा बोल दो कि 7,000 रुपए की बचत करता है या टोटल इनकम का 40% बचाता है, दोनों ही केसेस क्या है यहाँ पर सेम है। बस अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल 40% की वैल्यू हमें पता है कितनी है 7,000, तो 1% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से, क्या होगा 7,000 डिवाइड में 40, और ज्ञात क्या करना है टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम ज्ञात करना है मतलब मल्टीप्लाई 100, अगर एक्सपेंसेस पूछता है टोटल एक्सपेंसेस कितने होंगे तो मल्टीप्लाई 60, लेकिन फिलहाल इनकम मतलब मल्टीप्लाई 100। इसको सोल्व कर लो, 1 0 से 1 0, 4 से कैंसिल करेंगे 100 को, तो 25 बार 25 × 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 175,
और बचा क्या 2 जीरो, मतलब कितना हो जाएगा 17,500 रुपए की उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी इनकम। तो यहां से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेम टाइप का क्या है क्वेश्चंस कि एक व्यक्ति अपनी आय का 12% मनोरंजन पर, 25% कपड़ों पर तथा 18% खाने पर खर्च करता है तथा माह के अंत में 1,575 रुपए की बचत करता है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का सेम क्वेश्चंस। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, टोटल जो इनकम है वो कितनी होती है परसेंटेज में, 100%। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब देन उसके बाद हमें यहाँ पर ये भी बताया कि एक व्यक्ति अपनी आय का जो है वो मनोरंजन पर 12% खर्च करता है, मतलब मनोरंजन पर कितना करता है ये 12%। देन उसके बाद क्या है कि कपड़ों पर जो है वो कितना खर्चा करता है 25% का, 25%। उसके बाद यहाँ पर क्या है खाने पर कितना खर्चा कर रहा है ये 18%। ठीक है, अब यहां पर हमें टोटल एक्सपेंसेस निकाल ले तो 5 और 2 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15, 15 की 5 हासिल कितनी बच जाएगी 1, 1 और 2 4 और 1 5 मतलब कितने हो जाएंगे 55% का क्या कर रहा है वो एक्सपेंसेस कर रहा है। अब 100% की इनकम 55 का खर्चा, तो सेविंग कितनी हो जाएगी यहां से 45% की क्या हो गई यहां से सेविंग हो गई है। ठीक है, और रुपए में हमें कितने बोला है 1,575 रुपए। कहने का मतलब ये या तो आप बोल दो 1,575 की बचत करता है या परसेंटेज में 45% की बचत करता है, दोनों ही केसेस में क्या है इक्वल, मतलब 45% की जो वैल्यू है वो कितनी है 1,575। देन यहाँ पे हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1% की वैल्यू क्या होगी 1,575 डिवाइड में क्या हो जाएगा 45 और गुणे में क्या 100%। बस इसको सोल्व कर लो, 5 से कितनी बार 9 बार, 5 से 3 और 5 15, 5 एकम 5 5 25, फिर 9 से कैंसिल कर लो तो 9 3 27 9 5 45, मतलब 35 गुणे में कितना हो गया 100। तो यहां से कितना हो जाएगा 3,500 रुपए की क्या हो जाएगी उस व्यक्ति की इनकम हो जाएगी। तो यहां से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाला एस राइट आंसर। आई थिंक मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप नंबर थ्री। टाइप नंबर थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घर के किराए पर, उसके बाद तथा शेष का, यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि 20% घर के किराए पर, उसके बाद शेष का जो है वो 25% क्या है खाने पर तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है तथा माह के अंत में 5,400 रुपए की बचत करता है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले वाले टाइप में हमने जो क्वेश्चंस करे थे उसमें हमें कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई थी, इसमें क्या है शेष बोला है, जैसे मतलब एक व्यक्ति अपने आय का 20% घर के किराए पर, उसके बाद क्या बोल दिया शेष का 25% खाने पर, उसके बाद शेष जो बचा उसका भी क्या है 10% शिक्षा पर खर्च करता था, माह के अंत में 5,400 की बचत करता है तो कुल आय हमें यहां पर ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अगर आप अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो किस टाइप से सोल्व करेंगे, जैसे यहां पर क्या होगी इनकम कितनी हो जाएगी टोटल 100%, हमें पता है कि टोटल इनकम क्या होती है 100%। अब यहां पर अगर इसको बेसिक तरीके से देखते हैं तो 100% का क्या होगा 20% जो है अपनी घर के किराए पर खर्चा कर देता है, तो अगर 100 का मैं 20% निकालता हूं तो रेंट पर कितना खर्चा हो जाएगा यहां पर 20% का हो जाएगा किराए पे। उसके बाद यहां पर 100 में से 20% जो किराए पे खर्चा कर दिया तो शेष कितना बच गया 80 बचा 80%। अरे अगर टोटल इनकम 100% की थी उसमें से 20% किराए पर खर्चा कर दिया तो शेष कितना बच गया 80%। अब क्या बोला है शेष का 25% खाने पर, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि 80 का 25% क्या है खाने पर खर्च कर रहा है, कहने का मतलब तो यही है, तो 25% ज्ञात कर लो। तो यहां पर क्या होगा 25 से 1 बार, 25 से 4 बार, मतलब 4 से 20 बार, मतलब कहने का मतलब क्या है कि खाने पर कितना खर्चा हो गया है 20% का। ठीक है, अब मतलब 80 का 25% हमने ज्ञात किया तो यहां पर आया 20। अब टोटल 80 में से हमने 20 भी निकाल लिए तो शेष कितने बच गए यहां पर 80 में से 20 माइनस कर लेंगे तो कितना शेष बच जाएगा 60, और इस शेष का जो है वो 10% काय पे खर्चा कर रहा है वो व्यक्ति जो है वो शिक्षा पर खर्च कर रहा है तो 60 का 10% कितना होगा 6। ठीक है, अब ये क्या हो गया एजुकेशन शिक्षा पर खर्चा कितना हो गया 6% का। अब हमें यहां पर यह पता है कि टोटल इनकम जो थी वो 100%, उसमें से हमारे खर्चे कितने हो गए रेंट पे 20%, खाने पर 20%, शिक्षा पर 6%, मतलब टोटल जो खर्चे हो गए वो कितने हो गए 46% हो चुके हैं, ये क्या है एक्सपेंसेस है।
लेकिन हमारे पास इनकम कितनी थी 100%। अब अगर 100% में से अगर 46% एक्सपेंसेस होगा तो सेविंग कितनी हो जाएगी यहाँ से? सेविंग जो हो जाएगी वो दोनों का डिफरेंस मतलब 54% की क्या हो गई यहाँ पर, सेविंग हो गई। और रुपए में कितनी दी हुई है हमें सेविंग जो है वो है 5,400 रुपये जो है वो सेविंग है। या तो 54% की बचत बोलो या 5,400 की बचत बोलो, बात एक ही है। तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर क्या होगा, 54% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5,400 के, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,400 डिवाइड में क्या हो जाएगा 54 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। बस इसको सोल्व कर लो, तो 54 से 100 बार और 100 गुणे में 100 मतलब कितना हो जाएगा 10,000। तो यहां से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी वाला, सी इज राइट आंसर। ये तो क्या एक बेसिक मतलब, सबसे पहले हमने 100 का 20% निकाला, फिर माइनस करा, फिर उसका उसमें से माइनस करा, फिर उसमें ये करा वो करा, तो ये जो है ना बहुत ही लेंदी मेथड है। अब मैं इसका आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, मतलब कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको बचत कितनी दी हुई है 5,400, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, 5,400 की क्या है सेविंग है। देन उसके बाद हमें क्या बोला गया कि अपनी आय का 20% घर के किराए पर, मतलब टोटल इनकम जो है वो 100, अगर 100 में से ही माइनस करना हमें परसेंटेज में जब भी वैल्यू दी हुई है, तो हमें यहाँ पर उल्टा लिखना है, मतलब क्या होगा 100 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई शेष का 25% खाने पर, मतलब क्या होगा 100 और डिवाइड में 100 में से माइनस कर लो कितना हो जाएगा 75। उसके बाद शेष का 10% शिक्षा पर, तो ऊपर 100 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 90। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि हमने ये 5,400 × 100/80 मल्टीप्लाय 100/75 मल्टीप्लाय 100/90 क्यों किया? तो इसका एक मैं रीजन बताता हूँ आपको कि मतलब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, कुल आय ज्ञात करना है। जैसे मैं अगर मान लेता हूँ कि उस व्यक्ति की कुल आय एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कुल आय का 20% जो है वो घर के किराए पर मतलब 80/100 बच गया। उसके बाद क्या है, शेष का 25% खाने पर, मतलब क्या हो जाएगा 75/100 मल्टीप्लाई शेष का जो है 10% शिक्षा पर, मतलब क्या हो जाएगा 90/100 और बराबर बचत क्या होती है 5,400। अब यहाँ पर आप इसको अगर सोल्व करोगे तो एक्स इधर आएगा, उसके बाद ये बराबर के उधर जाएंगे तो सब क्या होंगे उल्टे हो जाएंगे, मतलब 5,400 × में क्या होगा 100, फिर गुणे में 100, फिर गुणे में 100, ये सारे डिवाइड में है तो इधर आके क्या होंगे मल्टीप्लाई में, उसके बाद डिवाइड में क्या हो जाएंगे यहाँ पर 80 × 75 × 90। तो हमने यहाँ पर भी तो यही किया है, हमने कौन सा कुछ डिफरेंस किया है, सेम प्रोसेस हो गई। मतलब आपको यहाँ पर ये एक लाइन भी बचानी पड़ेगी, मतलब कुल मिला के एक लाइन में सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो बस इसको हम काटेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से कितनी बार कैंसिल होगा ये 2 बार। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 9 3 27, 27 2 54, 54 से 54 कैंसल, मतलब 100 × 100 तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। तो यहां से भी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी वाला। आई थिंक मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी की, शेष का 50% अंग्रेजी की, तथा शेष का 30% जो फ्रेंच भाषा में, तथा शेष जो है वो 6,300 किताबें अन्य भाषा में हो, तो उस लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें हैं ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले, इससे पहले हमने दो तीन तरीके से इस सवाल को सेम टाइप का सेम क्वेश्चंस तो इस तरीके से देख चुके हैं। अब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है ना इजी तरीके से मतलब फास्ट तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 6,300 रुपये दिए हुए हैं। उसके बाद हमें 20% की किताबें जो है हिंदी की, मतलब एक लाइब्रेरी में, तो हमें सीधा इसको एक लाइन में खत्म करो, 100 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 80। उसके बाद देन यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 और डिवाइड में से 100 में से 50 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 50 ही बचेंगे, तो डिवाइड में 50 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में कितने हो जाएंगे 70। बस ये एक लाइन में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो 0 0 कैंसिल कर लो, 1 2 3 0, तो 2 और 3 0, 5 से कैंसिल कर लो कितनी बार होगा 2 से, 2 से ये 4 बार, और 4 से कितनी बार होगा 25 बार। अब 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 बार, मतलब 25 × में कितना हो जाएगा यहाँ पर 900, तो 25 × 9 कितना होता है 225 और 00 मतलब कितना हो जाएगा 22,500। तो यहां से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला, बी इज राइट आंसर। आई थिंक मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें,
और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।